जी वीडियो के शुरू में मैं एक बात करना चाहता हूँ। ईद वाले दिनों में एंजॉय कीजिएगा, घूमे फिरिएगा, खाली पैसा कमाना ही नहीं जिंदगी होता है। दोस्तों को भी टाइम दीजिएगा, थोड़ी इंजॉयमेंट कर लीजिएगा, यही होता है। खाली पैसा तो आपको पता ही, हम सारा साल ही फिर कमाते हैं। बहरहाल मैं आपको मुकम्मल न्यूज़ सुना देता हूँ, फाइन किस चीज़ के ऊपर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ईद कुर्बान यानी कि हज सीजन आ चुका है, यानी कि बड़ी ईद ईद अल अज़हा आ चुकी है। तो सऊदी अरेबिया आपको 5,000 रियाल का फाइन मुतारफ करवा दिया गया। ये मैं मुतारफ इसको बोल सकता हूँ। अच्छा, ये आपको बचना होगा जी, एहतियात कीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर अभी बता देता हूँ, पढ़कर सुना देता हूँ, डिटेल बता देता हूँ। मैं तबूक में थे हम, तबूक का एक छोटा सा आपको किस्सा सुना दूं। मैं तबूक शहर आज से तकरीबन 3 साल पहले की बात है, उस टाइम मैं आपके साथ यूट्यूब के ऊपर काम नहीं करता था। तो बात यह है जी, उस टाइम मैं वीडियो वैसे बनाता था और आदिल भाई जो है जी, आदिल तरवीद आप जानते हैं जी, पाकिस्तानी बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और आप भाइयों को काफ़ी अच्छी अपडेट देती हैं, गुरु भी माने जाते हैं जी मेरे वो। तो बहरहाल मैं उनको वीडियो भेज देता था बनाकर, वहाँ से कुछ लाइव किसी ना किसी बेहतरीन किस्म के व्यूज की, तो वो आप साथ शेयर करते रहते थे। उन वीडियोस में शायद आपने देखा हो मुझे उनके चैनल के ऊपर। बहरहाल अभी मैं बात सिर्फ ये करने वाला था, यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ जिसमें मैं ईद के मैं बात कर रहा हूँ कि हमें इतना गोश्त हुआ माशाल्लाह कि मेरा ख्याल है कि 12 या 14 किलो गोश्त था जी जो हमें मिला ईद वाले दिन। हमने तबूक शहर की बात कर रहा हूँ मैं। तो बहरहाल बात ये सिर्फ करने का मकसद ये था कि ईद वाले दिन भी अगर आपको कोई बोल देना कि हमारा बकरा ज़िबा करना है या हमारे साथ कुछ काम करवा दें, या ईद वाले 4 दिनों में यानी कि हज, ईद एंड तरू एंड मरू, इन 4 दिनों में आपको फाइन हो सकता है। आपको यहाँ पर मैं ट्वीट दिखा रहा हूँ, अभी पढ़कर सुना दूँ फिर आप देख। अदम मना अल मुजफ इजाजता ईद अल अज़हा लमुद्दत अरबा अयाम गरामा तकून खमसा अल फ़रिया, ठीक है जी। अल्लाह कुल्लु मुजफ फी मनशात लम यमना हाजा अल इजाजता, यानी कि तमाम किस्म के कफीलों को ये कह दिया गया है। कफीलों से मुराद यही है जी कि आपकी एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर वगैरह, आपकी कंपनीज वगैरह, आपके मुसस्साजात वगैरह, आपके कफील, उनको ये वान दी गई है कोई भी मुसस्सा कोई भी कंपनी अपनी इन 4 दिनों में कोई भी किसी किस्म का काम मत करे, वरना 5,000 रियाल पर पर्सन के हिसाब से फाइन होगा। अभी आप सोचेंगे मैं तो हजार कम करता हूँ, मैं खुद से कहीं बाहर, तो आप अगर अकेले पकड़े गए कहीं भी काम करते हुए अकेले इन 4 दिनों में, तो आपके ऊपर 5,000 रियाल का फाइन कर दीजिएगा। और अगर आप आजाद काम कर रखे होंगे तो यकीनन बात है आपने फील के साथ एग्रीमेंट वगैरह कुछ किया होगा, तो वो आपको नहीं, वो अब आपको बोलेगा ये जुर्माना आपने खुद ही पे करना है। तो 4 दिन एंजॉय कीजिए, खाए पिए, ईद का दिन है जी, और गोश्त वगैरह एंजॉय करें, ईद एंजॉय करें। परदेसी भाई मुझे पता है परदेश में कैसी ईद एंजॉय होती है, मैं खुद से भी तकरीबन 20 ईदें परदेश में गुजार चुका हूँ। तो ये मैं एक छोटी ईद जो गुजरी है जी और मीठी ईद, वो मैंने पाकिस्तान में पहली ईद गुजारी 10 साल बाद, और अभी ये दूसरी मेरी ईद है। तो परदेश में ईदें जैसे एंजॉय होती है मुझे पता है, लेकिन फिर भी इन 4 दिनों में काम वगैरह मत कीजिएगा, थोड़ा घूम फिर लें, एंजॉय कर लें। खाली पैसा कमाने जिंदगी नहीं होता है, थोड़ा दोस्तों को भी टाइम दीजिए।